नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वह लाल किताब से सिद्धमय टोटका है। जी हाँ दोस्तों, वही विश्व प्रसिद्ध किताब जिसके सभी टोटके सिद्धमय हैं और जिसने भी अपनाया है उसे लाभ जरूर मिला है। अगर आप और जो आपका और आप भी अपनाएंगे तो लाभ जरूर पाएंगे। आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, मुकदमे में विजय पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं तो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स और ऐसे उपाय लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आते हैं अपने टॉपिक के ओर। मुकदमे में विजय पाने के लिए गजब का यह टोटका। यदि आप किसी के साथ मुकदमा चल रहा हो और आप उसमें विजय पाना चाहते हो तो थोड़े से चावल लेकर कोर्ट कचहरी में जाएं और उस चावल को कचहरी में कहीं पर फेंक दें। जिस कमरे में उसका मुकदमा आपका मुकदमा चल रहा हो उसके बाहर फेंके तो ज़्यादा अच्छा होगा। तुरंत परंतु याद रखें, आपको चावल ले जाते या कोर्ट में फेंकते समय कोई देखे नहीं, वरना लाभ नहीं होगा। यह उपाय आपको बिना किसी को पता लगे ही करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको करना बस इतना है, जहाँ पर आपका कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा हो उस मुकदमे में उसी कमरे के बाहर थोड़ा सा चावल ले जाकर फेंक दें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको चावल ले जाते या उसे फेंकते कोई देखे ना, लाभ जरूर मिलेगा। क्योंकि यह जो टोटका है वह लाल किताब का सिद्धमय टोटका है। जी हाँ दोस्तों, और आपको अगर यह हमारे द्वारा दी गई जानकारी और यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे थोड़ा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स और ऐसे उपाय लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो दोस्तों, हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आते हैं, और अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल चल रहा हो जो इस वीडियो से रिलेटेड, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।